Hi, this is Sunil Pali here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव, तो आपका स्वागत है आज की 15 बड़ी खबरों पे। बांग्लादेशी विदेश मंत्री का भारत द्वारा रद्द, मंत्रालय ने कहा हमारे रिश्ते मजबूत। महाराष्ट्र में मंत्रालय बंटवारा, शिवसेना को गृह, एनसीपी को वित्त और कांग्रेस को राजस्व विभाग मिला। अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की। खबर असम से है, एक्टर और बीजेपी नेता जतिन बोरा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय कल रहेंगे बंद। कोलकाता में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, असम में अगले 48 घंटे इंटरनेट रहेगा बंद। निर्भया के चारों दोषियों को शुक्रवार को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुवाहाटी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, रबर बुलेट और आंसू गैस चलाए गए। मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामले में आरोपी जीतू सोनी को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महिला अपराधों को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। ट्रिपल तलाक, राम मंदिर 370 के मुद्दे पे धनबाद में नरेंद्र मोदी गरजे, कहा जो हम संकल्प लेते हैं उसे पूरा भी करते हैं। संसद के दोनों सदनों में उठा स्वाति मालीवाल का अनशन का मुद्दा, टीएमसी सांसद हुई भाव। संविधान विधेयक 2019 राज्यसभा में हुआ पास, लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है बिल। झारखंड के तीसरे चरण में शाम 5 बजे तक 61.19% हुई वोटिंग। ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्टार डी न्यूज। नमस्कार। एक रुपया तो जेब में पहले भी होता था, पर अब वही एक रुपया में 50 लाख का प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है हम बहनों के नाम। इसीलिए कहते हैं भैया, झारखंड को कारा, देखो भाजपा दोबारा। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।